Find the interval for which f of x, x over log x is increases. क्या करेंगे सबसे पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए डेरिवेटिव कीजिए. डेरिवेटिव f dash x log x का स्क्वायर log x as it is x का डेरिवेटिव 1 माइनस आगे x as it is डेरिवेटिव ऑफ log x इन पर y आगे log x माइनस 1 ओवर log x का स्क्वायर. देखिए डेरिवेटिव यह है. अब मैंने किसके लिए निकालना है इंक्रीजिंग के लिए है ना बेटा. इंक्रीजिंग के लिए ये क्या होना चाहिए ग्रेटर देन जीरो. अगर मैंने इसको ग्रेटर देन जीरो लेना है ये तो 100% ग्रेटर देन जीरो है ना. स्केयर है स्केयर वाला तो छोड़ ही दिया करो तो क्या रह गया मेरे पास. अब लॉग एक्स माइनस वन जो है बेटा log x minus 1 greater than 0 so that means log x greater than 1 yani x is greater than e. 1 ki jagah pe log e likh sakte hain log or log cancel so x greater than e so that means ki mere paas jo hai interval kya banega ye minus infinity ye infinity ye e kitne mein positive so that means e to डिक्रीजिंग पूछते दो माइनस इनफिनिटी टू ई. ठीक है जी. नाउ नेक्स्ट बेटा एक और जो है हमने ये चेक ही नहीं किया. आप कह रहे हो ना कि माइनस इनफिनिटी टू ई अगर मैं देखूं मुझे ये लेस देन जीरो चाहिए है ना. माइनस इनफिनिटी टू ई में जीरो भी आएगा. लॉग जीरो डिफाइंड नहीं होता. मैं इन चीजों का ध्यान से रखा. वहां पर ऑप्शन होगी माइनस इनफिनिटी टू ई भी होगी लेकिन आपने उसको ई टिक कर देना. दैट इज रॉन्ग 100% रॉन्ग. क्योंकि लॉग वन पे जब ये नीचे फंक्शन है एक तो लॉग वन क्या हो जाएगा जीरो नॉट डिफाइंड. वन तो आ नहीं सकता वो भी बीच में से निकलना. और दूसरा मेरे पास जो है अगर मैंने डिक्रीजिंग देखना है तो मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो है यहाँ पर क्लियर कट है. जो x है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए x नॉट इक्वल टू वन होना चाहिए. दोनों ऑप्शंस नहीं आ सकती तो दैट मींस कि मेरा आंसर जो है वो डिक्रीजिंग के लिए बेटा क्या बनेगा जीरो टू ई. क्योंकि जीरो यहाँ पर पॉइंट आ गया कि नहीं बीच में क्रिटिकल पॉइंट जीरो टू ई बट बीच में से वन क्या करेंगे माइनस करेंगे डिक्रीजिंग के लिए. हमें दिया नहीं था स्टेटमेंट में डिक्रीजिंग के लिए निकालो बट मेरे दिमाग में आया कि ये भी चीज निकालनी चाहिए आपको. बात समझ आई पता चला मैंने ऐसे क्यों लिखा क्योंकि जीरो क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो वो ब्रेकेज होगी तो फिर अगला इंटरवल तो जीरो टू ई आ गया. जीरो टू माइनस इनफिनिटी टू ई नहीं आया. ओके ओके चले आगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट डाउन फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए. या आपकी बुक का क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच f of x for which f of x ये मैंने शायद उस दिन भी डिस्कस किया x की प्लस x प्लस 1 इज इंक्रीजेस ऑन इंटरवल 1 2 2 1 2 2 एंड आल्सो फाइंड. मैं अगला मतलब चेंज कर रही हूं एंड सेकेंड पार्ट हो गया
फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2. एफ ऑफ एक्स इज डिक्रीजिंग ऑन 1 to 2. ओके बेटा, अब सबसे पहले क्या करें, एफ ऑफ एक्स निकालें. स्टेटमेंट क्या देनी है मुझे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन. हाँ जी बेटा, डेरिवेटिव निकालो एफ डैश एक्स. हाँ जी, 2x plus a. एक मेथड तो ये ना बेटा कि आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से वो वैल्यू छोटी वाली फोटो करके चेक कर लो, ग्रेटेस्ट वाली फोटो करके कर लो. ये कौन सी मेथड है हमारे पास, हम डबल डेरिवेटिव से उसकी नेचर को चेक कर लो. जहां पर मैक्सिमा अगर आ गया, ऊपर मैक्सिमा आ गया तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा है ना. अगर ये यहाँ पर मिनिमम है तो इधर क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा. अगर इस इंटरवल में देखो, अगर इस इंटरवल से इधर देख रहे तो ये क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. इधर इंक्रीज कर रहा बटन है, ठीक है. ये डिपेंड करता है मेथड कौन सा लगा. मैं डबल डेरिवेटिव वाला भी आपको बता देती हूँ, सिंगल डेरिवेटिव वाला मैंने उसे बता दिया. ओके, लेट अस डू बाय द अदर मेथड. आप एफ डबल डैश एक्स निकालो, कितना है मेरे पास, 2. क्लियर कट है बेटा. अगर ये 2 आया तो दैट मींस एफ डबल डैश एक्स टू वे दैट इज 2 ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कौन सा इंटरवल दिया हुआ था मुझे, 1 to 2. अगर एफ डबल डैश एक्स टू वे को ग्रेटर होता है तो मिनिमम वैल्यू होती, मिनिमम वैल्यू होगी तो मतलब यहाँ से इसके बाद फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा. तो दैट मींस कि मेरे पास जो उसने स्टेटमेंट में दिया हुआ था कि फंक्शन इंक्रीज करे जो है, तो अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो दैट मींस या तो एफ ऑफ एफ डैश वन पे, एफ डबल डैश एफ डैश टू पे मेरे पास जो है एफ डैश वन और एफ डैश टू पे मींस, और यहाँ पर क्या होगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू. ये देखो ऐसे चाल है, यहाँ मिनिमम है, यहाँ छोटी गलती होगी, यहाँ पर बड़ी गलती होगी. तो वहां से अब आप एफ डैश वन पे वैल्यू पुट करो, एफ डैश वन पे कितनी है बेटा, 2 + a, और एफ डैश टू पे 4 + मेरे पास जो है a वैल्यू. अब बेटा देखो मेरे पास जो है क्लियर कट है. ये पॉसिबल तभी होगा अगर मैंने वैल्यूज कैलकुलेट करनी है इंक्रीजिंग में, कि एफ ऑफ एक्स जो है इंक्रीजिंग है 1 to 2 में, और एफ डैश एक्स जो है वो क्या होना चाहिए, बड़ा भी होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए इसी इंटरवल में. तो अगर ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो 100% है बेटा ए की वैल्यू किस पे जो है, ए कितना होगा, एफ डैश 1 ग्रेटर देन 0, that means 2 + a greater than 0, यानी a की वैल्यू कितनी निकली, greater than minus. और यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, less than 0 बेटा. अगर ये मेरे पास increase कर रहा है, यहाँ पर minimum है, minimum हम कहते हैं, और मैंने ये show कर दिया कि मेरे पास हो गया यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है, तो दैट मींस साइन चेंज होती है. हमने ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में मैक्सिमम मिनिमम में किया है ना, कि उस पॉइंट पे वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है. अगर 1 पे मेरे पास लेस देन 0 है, ओ सॉरी ग्रेटर देन 0 है, तो इस पे क्या होना चाहिए, लेस देन 0, यानी 2 पे कितनी निकली, 4 + a लेस देन 0, यानी a की वैल्यू किससे लेस होनी चाहिए, -4 से. ओके बेटा, अब वैल्यूज किस पे आई मेरे पास, 1 - 4 और 1 - 2. ए की वैल्यू इससे बड़ी, इससे बड़ी मतलब किसका, इधर, और -4 से छोटी, यानी ये कोई कॉमन वैल्यू आ रही है, नो कॉमन वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं किस पे वो ये कंडीशन हो गए वो सेटिस्फाई कर रहा है. लेकिन अगर मुझे उसने ग्रेटेस्ट कहा है
तो मैं यहाँ से यूनिट लेस वैल्यू ले सकती हूँ और मिनिमम क्या है तो ये इंक्लूड कर सकती हूँ, मिनिमम इंटरवल कोई ना नहीं। उसने अगर एक वैल्यू पूछी है मेरे को, क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस विल बी, मतलब जो भी कंडीशन बोली थी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इसका मतलब कि लीस्ट वैल्यू अगर मैंने लेनी है क्योंकि इससे बड़ी कहा था ना, इससे छोटी कहा था तो छोटी कहा तो ये तो ले सकती हूँ, इससे इधर को कहा था ना तो ये तो इंक्लूड कर सकती हूँ ना, तो ये ग्रेटेस्ट वैल्यू होगी, ये लीस्ट वैल्यू, पूरा इंटरवल नहीं निकल रहा मेरे पास लेकिन मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू आप निर्भर तो करते। अब बोलो समय डिक्रीजिंग नहीं होगा इसके बाद आगे जाके। बेटा हमने ना एक चीज ये की हुई है, अगर आपको याद हो जैसे ये कर्व होती है, अगर ये मैक्सिमम वैल्यू है तो ये मैक्सिमम है तो एफ डैश एक्स मेरे पास जो है यहाँ पर कैसा होता है और यहाँ पर कैसा होता है बता सकते हैं? ये कॉन्सेप्ट याद है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है तो आपने किया होगा कि जहां पर भी मैक्सिमम वैल्यू होती है फंक्शन का डेरिवेटिव चेंज होता है, नेचर अपनी चेंज करता है, यहाँ पर लेस देन जीरो यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो, या उल्टा होता है यहाँ पर उल्टा होगा यहाँ ग्रेटर देन जीरो इधर लेस देन जीरो, वही कॉन्सेप्ट मैंने लगाया। मैंने पहले ये चेक कर लिया कि वहां पर क्या है मिनिमम वैल्यू आ रही है क्योंकि वहां एफ डबल डैश टू आया था तो इसमें ग्रेटर देन जीरो ही रहा, मतलब मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू होगी तो मतलब यहाँ पर ग्रेटर देन जीरो यहाँ लेस देन जीरो एफ डैश। तो मैंने यही किया था एफ डैश वन, मैंने क्या किया था जो है यहाँ पर देख लिया था मिनिमम है ना तो पहले पॉजिटिव आया बाद में मिनिमम आया तो मतलब ग्रेटर देन जीरो लिया था और एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन जीरो, ये कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया बस सब कुछ। और ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने देखा है, कोई भी आप एमसीक्यू वाली क्वेश्चन बुक देख रहे हो ना तो बहुत बार आया सेम स्टेटमेंट, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है आपके बुक में भी है तो दैट्स इट, बट वहां लीस्ट वैल्यू है, मैंने आपको ग्रेटेस्ट भी बता दी लीस्ट भी बता, समझ आती है बेटा? अब पता चला कैसे करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, एक और क्वेश्चन करवाओ इसी पर, राइट डाउन क्वेश्चन बड़ा है बट चलिए। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k f of x ये थोड़े से मैं टेक्निकल करवा रही हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। f of x k x cube minus 9kx square plus 9x plus 3 is increasing on R. अब सबसे पहला बात, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग भी है तो क्या होना चाहिए? पहले वो लगाओ, देखो क्या हो रहा है, कैलकुलेट करो f(x) 3 kx² minus kx plus 9 it should be greater than 0, ओके कुछ कॉमन निकल रहा है, निकाल लिए kx square minus 9kx plus 3 greater than 0 होना चाहिए for all x, कोई भी मेरे पास x है। अब हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल six है। अब बेटा मैं ना आपको एक मतलब ट्रिक बताने लगी, कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर वो ग्रेटर देन जीरो है मींस अब ये शॉर्टकट है kx स्क्वायर प्लस dx प्लस c, अगर ये ग्रेटर देन जीरो है तो और मेरे पास a भी ग्रेटर देन जीरो है तो
तो डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होना चाहिए। ये अब ये ट्रिक है शॉर्टकट, नहीं तो तुम घूमते रह जाओगे, नहीं तो आप घूमते रह जाओगे। अगर a ग्रेटर देन 0 है, आप चाहते हो ये 0 से बड़ा, ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ना वो लेस देन 0 होना चाहिए, तभी ये ट्रू होगा। ये क्वाड्रेटिक है, ग्रेटर देन 0 है, मैं मान लेती हूं कि k ग्रेटर देन 0 है, तो अदर कंडीशन कहां से निकालो, डिस्क्रिमिनेंट से लगाओ, जरा डिस्क्रिमिनेंट 20 square 36 k square minus 4 ac, it should be greater than 0, oh less than 0, अब कितना हो गया बेटा, क्योंकि a greater than 0 होना चाहिए, अगर ये greater than 0 है तो a greater than 0 and b less than 0 होना चाहिए, तभी आप वैल्यू निकाल मतलब आगे हम अप्लाई कर सकते हैं फॉर्मूला कह दो इसको। अब देखिए यहाँ पर 4 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन, 12 कॉमन आ रहा है, निकाल के जब 12 कॉमन आ रहा है तो मेरे पास क्या बताएं आप, k स्क्वायर, हाँ जी k अभी कॉमन नहीं लेते हैं, वो तो फिर हम वेरी तो मेथड लगाएंगे ना, क्वाड्रेटिक बन गई ना, उसके क्रिटिकल पॉइंट निकाल के बेस्ट नहीं है वो, है ना। तो अब आगे क्या करेंगे मेरे पास, लेट अस सी, k 3k minus 1 लेस देन 0, दो क्रिटिकल पॉइंट आए मेरे पास। अब देखो प्लस वन का सारा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, 1 0 1 1/3, ठीक है, यहाँ पर दोनों पॉजिटिव है मेरे को, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, बट मैंने कौन सा लेना है, लेस देन 0 है ना, मतलब नेगेटिव वाला। अब उसके अकॉर्डिंगली तो k बिलोंग कर रहा है 0 to 3, और मैं 0 भी इंक्लूड कर सकती थी, बट यहाँ क्या कंडीशन थी, ग्रेटर देन 0, मतलब इंक्लूड नहीं करना है यहाँ पर, 1/3 लिखना था, सिर्फ मैं समझा रहा, बात समझ आई मैंने क्या की, नहीं सुनिए समय यहां तक पता चल गया। इसके बाद तो ये लीनियर इक्वेशन ऑफ प्लस वन है ना, अगर क्वाड्रेटिक बने कुछ भी बने हम फैक्टर्स पे बना लेते, उसके क्रिटिकल पॉइंट बना लिए, एक आया 0 1/3, क्योंकि k के कोफिशिएंट दोनों पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, अगर कोई नेगेटिव हो तो फिर नेगेटिव से, या नेगेटिव कॉमन लेके इनइक्वालिटी चेंज करो, ये आप पे है ना, मैंने कॉमन नहीं लेती, मैं कहती हूँ उसी से स्टार्ट करो, पॉजिटिव से कोई स्टार्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यहाँ लेस देन 0 है तो मुझे लेना है नेगेटिव वाला, अगर ग्रेटर देन 0 होता तो मैं लेती पॉजिटिव वाला बेटा, अब ये नेगेटिव वाला था, अब ये नेगेटिव वाला है तो मेरे को पता है 0 1/3 वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है, अब 0 नहीं लेना, जैसे भी क्रिटिकल पॉइंट है बट फिर भी आपको कंडीशन पता होनी चाहिए, जो है कि k ग्रेटर देन 0 है तो 0 नहीं आएगा, तो ओपन नहीं आएगा 0 1/3, ओपन रहेगा, हाँ जी मैम। अब ये चीज आपको कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में लग सकती है, ये तो याद रखोगे ना, कभी नहीं तो घूमते रह जाओगे क्वेश्चन में, ओके समझ आई मेरी, ओके चलिए अगले क्वेश्चन पे मैडम, लेट अस सी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड विद दिस, ठीक है, मैं ऐसे टिपिकल वाले कराती हूँ जहाँ कुछ ना कुछ नई चीज यूज होनी है फिर आप कर पाओ। चलो एक क्वेश्चन और कराती हूँ, 35th क्वेश्चन करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच एफ ऑफ एक्स, फॉर विच एफ ऑफ एक्स, वो क्या है मेरे पास, ए एक्स स्क्वायर, ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स डॉट, ये वाला ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑन आर, ऑन आर
करो, स्टार्ट करो, निकालिए जरा। क्या करें सबसे पहले देखिए, क्रिएट स्केल माइनस ए, इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है। मुझे ए की वैल्यू पूछी है, मैं एक और कर लेता हूं। अब मुझे ए की क्या पूछी थी बेटा, लीस्ट वैल्यू पूछी थी कि नहीं, कम से कम। उसने कहा 3x किया जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए है कि नहीं, और कम से कम वैल्यू मतलब इसके इक्वल होना चाहिए है ना। अब अगर ये इक्वल है और मैं देखूं कम से कम, क्योंकि ये स्केयर है इसमें हमेशा पॉजिटिव रहना, कभी नेगेटिव नहीं बनेगा, तो कम से कम वैल्यू कितनी आएगी पॉजिटिव, जीरो से कम तो जाएगी ना। अगर स्केयर नहीं होता तो मुझे टेंशन होती। देखो हर क्वेश्चन में अलग कॉन्सेप्ट लग रहा है, लग रहा है कि नहीं। यहाँ मैंने क्या दिमाग में लगाया, स्केयर है ना। ये सरसी का बेटा आवाज नहीं, यस रसिका मैम, जब नेगेटिव की इनइक्वालिटी दूसरी साइड पे जाती है तो साइन चेंज नहीं होता। तो बेटा मैंने कर लिया, ये देखो ये नेगेटिव था उधर जाके पॉजिटिव नहीं हो गया मैम, साथ में इनइक्वालिटी भी चेंज नहीं होगी। नहीं नहीं बेटा, वो मल्टीप्लाई डिवाइड में होता है। सपोज दिस इज द कॉन्सेप्ट, सपोज अगर ऐसे होता मैं ए को उधर ले गई, ओके, अब मैं चाहती हूँ माइनस थ्री को उधर ले जाऊं। अब नेगेटिव नंबर जब उधर जाता है ना रसिका, तो इनइक्वालिटी चेंज होती है मल्टीप्लाई या डिवाइड में, प्लस माइनस में नहीं होती। जब मैं माइनस थ्री को उधर लेके जाऊंगी डिवाइड कर रही हूं, तो देन इट विल चेंज, ऐसे प्लस माइनस में नहीं होती रसिका, ओके। चले आगे बेटा, मेरे पास हो गए। अच्छा मैं क्या बता रही थी, हम यस कि ए की मिनिमम वैल्यू पूछी है। मुझे पता है ये टर्म स्केयर है, जो मर्जी कर लो, छोटी से छोटी वैल्यू इसकी क्या आनी, जीरो, तो ए की वैल्यू क्या होगी, जीरो, बस काम खत्म। आगे ये क्वेश्चंस नहीं आते थे, उसका रीजन क्या था, वहां एमसीक्यू थोड़ा करनी हमने, हमें तो पूरा सॉल्व करने वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आते थे। अब इनके लिए हमें थोड़ा सा हम सोचें, अगर ये टू नंबर में आगे आता भी तो हम यहीं पे लिखते कि मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज टू जीरो, बस काम कर, ओके, कोई डाउट तो नहीं। और कराऊं इससे क्वेश्चंस है ना, थोड़ी क्लैरिटी। सिंपल वाले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो आते हैं ना, जंपिंग मेथड लगा के, जिसको वेवी कर्व मेथड भी कहते हैं, वो कराने की जरूरत तो नहीं। चलिए नेक्स्ट कीजिए, एक और क्वेश्चन लिखिए। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर, फाइंड द इंटरवल, फाइंड द इंटरवल फॉर विच द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, फाइंड द इंटरवल फ्रॉम द ऑप्शंस for which the interval is the function is increasing, और function मुझे दिया हुआ है x square minus x sin x, and intervals are पहला 0 to pi by 2 open 0 to pi 0 to pi। क्या है मेरे पास, 2x minus first as it is derivative of second plus second as it is derivative do it open the brackets ऐसे क्वेश्चन ना, हमें इंटरवल निकालना मुश्किल होता है।
क्लोज्ड है ना, एक तो एक्सट्रीम वैल्यूज पे और दूसरा कोई मिडिल वैल्यू, क्योंकि जितनी देर तुम इक्वल टू जीरो करके इंटरवल निकालोगे तुम अड़ोगे 100% अड़ोगे। तो ऐसे क्वेश्चन में बेस्ट क्या है, जब तुमने दोनों में कॉमन वैल्यू चल जाए पाई बाय 4, आनी है कि नहीं आनी पाई बाय 4, एक में जीरो इंक्लूड है एक में नहीं है, पाई बाय 2 इंक्लूड है नहीं है, मतलब दोनों के लिए तीन वैल्यूज ही चाहिए, एक ले लो 45, एक ले लो 0, एक ले लो पाई बाय 2। 0 में यहाँ ऑलरेडी निकाल चुकी हूँ, पाई बाय 4 पे ऑलरेडी निकाली हुई है, उसी को चेक करते हैं, पाई चेक करो सर उस पर फंक्शन कॉस्ट की जा रहा है कि नहीं, जल्दी चलो बी फास्ट। ग्रेटर देन 0 ही तो बनाना है ना इंक्रीजिंग के लिए, आपने तीनों वैल्यूज पुट करके देखनी है, 0 45 पाई बाय 2 चेक करो, 0 पे अगर मैं देखूं 0 जीरो हो गया, साइन जीरो जीरो हो गया, तो जीरो ही हो गया, वो तो कोई फायदा ही नहीं ना चेक करने का मेरे पास, यानी जीरो इंक्लूड नहीं होगा, नहीं होगा ना, यानी इसके चांस है या इसके चांस है, देखो ये दोनों तो अपने आप ही निकल गए। अब 5/2 मुझे तो यही आंसर लग रहा है ना, आप 5 पे चेक करोगे, इफ आई चेक ऑन 5, मैंने 5 चेक किया ये 2/5 हो गया, cos 5 minus 1 यहां 5 ये प्लस हो गया ये 3/5, sin 5 0 ये भी पॉजिटिव आ रहा है ना, मुझे लग रहा है कि शायद मैंने ऑप्शन, क्योंकि मैंने अपने आप ऑप्शंस बनाई, क्वेश्चन था तो ये इंटरवल नहीं भी आ सकता है क्योंकि इस पे भी वो पॉजिटिव थी, तो 0 टू पाई बाय 2 मेरा वैसे आंसर है। अगर दो ऑप्शन वैसे तो कभी नहीं होगी, माइट भी ऐसे लिख दिया जाए वो द ए एंड बी टर्म, ओके ये तो हो सकता है कि नहीं, ओके बाय चांस दो ऑप्शन आ गए, ठीक है ऐसे चेक कर लेंगे, ठीक है चले आके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा मेरे पास हो गए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ बी द फंक्शन जो गए f of x वो क्या दिया हुआ है मुझे, साइन एक्स माइनस बी एक्स प्लस सी इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल आर, इज डिक्रीजिंग फंक्शन फॉर ऑल आर, क्या करेंगे बेटा फिर एफ डैश एक्स ले, क्या बनेगा साइन का डेरिवेटिव कॉस माइनस बी शुड बी लेस देन जीरो, कॉस एक्स लेस देन बी, उसने कोई मिनिमम या वो वैल्यू तो नहीं ना की, उन्होंने सिंपल ये कहा कि मेरे पास जो है वैल्यू कैसी आनी चाहिए, अब उसने कहा बी की वैल्यू ना जो है बी शुड बी ग्रेटर देन कॉस एक्स, एम आई राइट, यही कहा ना, अब कॉस एक्स की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है, हमेशा माइनस वन टू वन के बीच में लाई करती है, है ना, तो दैट मीन्स, और उसने कहा है कि एक्स जो गए वो मेरे पास जो गए वो, तो यहां से मैं क्या इंक्लूड करूं, बी से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए मतलब वन से बड़ा होना चाहिए, तो दैट मीन्स बी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वन, क्योंकि स्ट्रिक्टली नहीं ना बोला था तो हम इक्वल टू भी ले सकते थे साथ ही पहले, बस ओके समझ आ गई बेटा, थोड़े से आज टिपिकल क्वेश्चंस करवाए, ट्राई टू रिवाइज इट,